दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 11 अप्रैल 2021, तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के साथ ही हिंसा हुई है। यह जानकारी के अनुसार उत्तर दिनाजपुर के सीमावर्ती बिहार के किशनगंज टाउन थाना प्रभारी अशिवन कुमार की पांजीपरा में छापेमारी के दौरान शनिवार सुबह लगभग 4:30 बजे जान ले ली गई है। जी हां, यहां किशनगंज की एसपी कुमार आशीष एसडीपीओ समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचे। यह बताया गया है कि किशनगंज टाउन थाना प्रभारी अशिवन कुमार की जान अपराधियों के द्वारा मॉब लिंचिंग के द्वारा ली गई। यह घटना परा के पंतापारा गांव की है। यह घटना बाइक चोरी गिरोह के ठिकाने पर छापेमारी के दौरान हुई है। जी इसी दौरान अपराधियों के साथ पुलिस की झड़प हो गई और अपराधियों की भीड़ ने एसएचओ अशिवनी कुमार को दबोच कर अपना शिकार बना दिया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पूर्णिया प्रक्षेप के आईजी सुरेश प्रसाद चौधरी इस्लामपुर अस्पताल पहुंचे। जी आईजी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि बंगाल के पांजीपरा थाना क्षेत्र के पास एक सूचना पर पुलिस बाइक चोर गिरोह के ठिकाने पर छापेमारी करने पहुंचे थे, इसी दौरान भीड़ ने उसे मार डाला। दोस्तों पश्चिम बंगाल में जारी चौथे चरण की वोटिंग के बीच टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के एक वीडियो ने सियासी गलियारों में हलचल और तेज कर दी है। प्रशांत किशोर इस ऑडियो में कुछ पत्रकारों से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये वीडियो भाजपा के साइबर सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया है। जी हाँ, ऑडियो में प्रशांत किशोर पत्रकारों से कह रहे हैं कि बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत लोकप्रिय है, ममता बनर्जी जितनी ही लोकप्रिय है उतना मोदी भी है। जी हाँ, प्रशांत किशोर ने कहा कि टीएमसी के खिलाफ गुस्सा है, टीएमसी ने अब तक मुस्लिम वोटरों पर ज्यादा ध्यान दिया, उनका तिरस्कार किया, लेकिन यह पहला मौका है जब हिंदू मतदाताओं को लग रहा है कि कोई उनकी भी पूछ परख कर रहा है। यही कारण है कि भाजपा का पलड़ा भारी लग रहा है। एक बड़ी आबादी है जिसके लिए बंगाल में भाजपा नहीं है और उन्हें लगा है कि ये यहां पार्टी कुछ कर सकती है। यह मुस्लिम तिरस्कार का काम पहले वाम दलों ने किया और अब टीएमसी ने किया। यही कारण है कि टीएमसी के खिलाफ एंटी कैंपेन है। हालांकि प्रशांत किशोर और उस वीडियो चैट में शामिल पत्रकारों का कहना है कि भाजपा ने पूरी बातचीत को एक हिस्से को लीक किया है। जी प्रशांत किशोर का कहना है कि भाजपा को अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है, यही कारण है कि उसके लोग मेरी यानी कि प्रशांत किशोर क्लब हाउस चैट में ताक झांकी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की ऑडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा सांसद और विधानसभा प्रत्याशी लोकेट चटर्जी ने कहा है कि प्रशांत किशोर और टीएमसी को अब एहसास हो गया है कि वे हार रहे हैं, ये तो पहले से तय था। दोस्तों बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के एक स्कूल का कारनामा आपको हैरान कर देगा। जी वहां के एक स्कूल ने 3 दिन के बच्चे ने 8वीं पास का प्रमाण पत्र दिया है। जी स्कूल के ट्रांसफर सर्टिफिकेट में तो यही दर्ज है। स्कूल की लापरवाही की इस घटना ने मुजफ्फरपुर के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय की उस लापरवाही की भी याद दिला दी है जिसमें एक कॉलेज छात्रा ने खुद को बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी और अभिनेत्री सनी लियोनी का बेटा बताते हुए परीक्षा का फॉर्म भरा था। तब सनी लियोनी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी थी। मिली जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर जिले के गोसाई दास तैनगाड़ी सरकारी स्कूल ने प्रिंस कुमार नाम के एक छात्र को 8वीं पास का टीसी दिया है। जी टीसी के अनुसार उसने 23 मार्च 2007 को 8वीं पास की है। जी इसी टीसी के अनुसार उसका जन्म 20 मार्च 2007 को हुआ था। यह छात्र प्रिंस कुमार ने इस बात की पुष्टि की है। छात्र के अनुसार जब उसने इस गलती में सुधार के लिए स्कूल जाकर प्रिंसिपल से मिलने की कोशिश की तो फिर उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। जब फिर छात्र के पिता मामले की जानकारी लेकर जिला अधिकारी को दी, उन्होंने इसे लिपि की गलती बताते हुए सुधार का आश्वासन दिया। इसको लेकर मुजफ्फरपुर के डीओ ने कहा है कि छात्र के टीसी को जल्द ही ठीक कर दिया जाएगा। इसके लिए स्कूल प्रशासन के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जा चुकी है। दोस्तों बिहार के पूर्णिया के कई इलाकों में गुरुवार रात आए भीषण चक्रवाती तूफान से भारी नुकसान हुआ। जी तूफान से पूर्णिया सदर अनुमंडल के पूर्व प्रखंड में भयंकर तबाही हुई। जी जिले के यानी कि पूर्णिया जिले के गौरा के अलावा वीरपुर, लोखरा, महेंद्रपुर, सपनी समेत कई गांव में चक्रवाती तूफान से व्यापक नुकसान हुआ। बड़े बड़े पेड़ उखड़ कर गिर चुके हैं। जी गौरा पंचायत के संदलपुर में तबाही का मंजर साफ दिखता है। जी सैकड़ों आशियाने ध्वस्त हो चुके हैं। तबाही के बाद लोग खुले आसमान के नीचे रह
रहने को विवश हो गए हैं। जिन लोगों ने तूफान से हुए नुकसान पर सरकार से मुआवजा की मांग की, इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। ये इस तूफान से किसानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। हजारों एकड़ में मकई की फसल भी बर्बाद हो गई है। लोगों का कहना है कि बीती रात करीब 9 बजे भीषण चक्रवात बारिश और ओलावृष्टि हुई थी। यह उस समय भीषण दृश्य था, यह हर तरफ तबाही का मंजर दिख रहा था। लोग अपने बच्चों को लेकर घर में चौकी के नीचे डुबके हुए थे। यह कहीं छत उड़ रहा था तो कहीं पेड़ के डाल टूट टूट कर गिर रहे थे। ये इसके अलावा कई जगह बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर भी टूट कर गिर गए, जिस कारण बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई। लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मुआवजा मिले ताकि लोग राहत की सांस ले सके। दोस्तों, किशनगंज में इंस्पेक्टर की हत्या के बाद अब बिहार की सियासत गर्मा गई है। जी हां, वही इस हत्या को मॉब लिंचिंग का मामला बताया है। जी हां, इस मामले को लेकर बिहार पुलिस और सत्ता पक्ष के नेता काफी आक्रोशित हैं। वही सत्ता पक्ष के नेता ने यहां तक कह डाला है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है। जी इसके साथ ही बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। जी हां, वही बिहार के सियासी दलों ने भी पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को घेरते हुए गृह मंत्रालय से हस्तक्षेप की मांग कर दी, ताकि अपराधियों की गिरफ्तारी हो सके। वही जानकारी के मुताबिक इस मामले में जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने भी घटना पर दुख जताते हुए कहा कि बिहार ने अपना एक जाबाज पुलिस ऑफिसर खो दिया है। साथ ही एमएलसी गुलाम गौस ने इस मसले पर गृह मंत्री को संज्ञान लेने की मांग की है। आपको बता दें कि किशनगंज टाउन थाना क्षेत्र के अश्वनी कुमार अपनी टीम के साथ बंगाल के बंतापारा में किसी चोरी के केस में छापेमारी करने पहुंचे थे, जहां भीड़ ने उनको पीट पीट कर मार डाला। वही इसे लेकर अब सियासत में हलचल मच गई है और ममता बनर्जी को जबरदस्त घेरने में जुट गई है। दोस्तों, बिहार के पड़ोसी राज्य यूपी, पश्चिम बंगाल और झारखंड से सीधे नई कनेक्टिविटी के 4 प्रस्ताव को पथ निर्माण विभाग के NH डिवीजन ने नए वित्तीय वर्ष के लिए अपनी वार्षिक कार्य योजना में शामिल किया है। इसके तहत कुल 2470 करोड़ रुपए की योजना सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की मंजूरी के लिए भेजे गए हैं। यह यूपी, पश्चिम बंगाल और झारखंड के बीच कई अन्य सड़कों से बिहार की सीधी कनेक्टिविटी है, पर इन सड़कों पर अस्तित्व में आने के बाद नई कनेक्टिविटी उपलब्ध हो जाएगी। यूपी से सीधे कनेक्टिविटी के 2 नए प्रस्ताव केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजे गए हैं। दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस कोरोना काल में सबसे पहले परीक्षा परिणाम जारी करके एक रिकॉर्ड कायम किया है, लेकिन कुछ परीक्षार्थी इसमें कम अंक लाने की शिकायत कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को समिति ने एक और मौका अपने परिणाम सुधारने के लिए दिया है। स्क्रूटनी के माध्यम से ये काम कराया जा सकता है। आवेदन एक या फिर उन सभी विषयों के लिए हो सकता है जिसमें परीक्षार्थियों को यह लग रहा हो कि उन्हें अपेक्षा से कम अंक मिले हैं। तो आवेदन करने के लिए आपको वेबसाइट में जाना होगा और ये वेबसाइट है biharboardonline.bihar.gov.in। इस पर जाकर के आप अपने फॉर्म भर सकते हैं और फिर दोबारा एग्जाम दे सकते हैं जिस विषय में आपको एग्जाम देना है। दोस्तों, बिहार में कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों को दहशत में डाल दी है। यह पिछले साल की तरह इस साल भी अप्रैल माह में कोरोना मरीजों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल पटना में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। जी हां, बताया जाता है कि कल 24 घंटे में 1290 नए मरीजों की पहचान हुई है। हालांकि अधिकतर रूप में इस पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बोलने से बच रहे हैं। जी हालांकि शाम में विभाग की ओर से इसका आंकड़ा जारी किया जाएगा। राजधानी पटना में आज मिले ये आंकड़े पूरे कोरोना काल के से बड़े संख्या है। जानकारी के अनुसार पिछले साल 24 घंटे में रिकॉर्ड 1069 नए मरीज मिले थे। ये आंकड़ा 4 जुलाई 2020 को जारी किया गया था। इसके बाद ये आंकड़ा धीरे धीरे उतार पर आ गया था, लेकिन आज पिछला आंकड़ा 1069 को तोड़ते हुए 1290 पर पहुंच गया है। ऐसे में स्वास्थ्य महकमे के साथ साथ प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जहां आपको बता दूं कि कल शाम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आवश्यक बैठक की और कई बड़े निर्णय लिए। दोस्तों, कहते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और यही वजह है कि बिहार की सरकार गांव में शहर जैसी सुविधाओं का विस्तार कर रही है। लेकिन इन सब के बीच शिवहर जिले के डुमरी कटसरी प्रखंड का न्याया गांव पश्चिमी पंचायत अंतर्गत अमीन टोला गांव विकास से अनजान है। जी आजादी के आज 74 साल बाद भी ये गाँव पक्की सड़क से नहीं जुड़ पाया है। तकरीबन 1500 से अधिक की आबादी और फिर 1056 वोटर वाले इस गाँव के लोगों की जिंदगी पक डंडी पर रेंग रहा है। ना तो गाँव की स्थिति
माध्यमिक विद्यालय और उर्दू मध्य विद्यालय जाने के लिए सड़क है और न ही किसी के बीमार होने की स्थिति में एम्बुलेंस के आने जाने का कोई रास्ता। जी हाँ, हालात यह है कि बीमार होने की स्थिति में खाट ही एकमात्र सहारा है। यह सबसे बुरा हालात बरसात के दिनों में हो जाता है। बरसात में पूरा इलाका जल जमाव की गिरफ्त में हो जाता है, लिहाजा ये इलाका टापू बन जाता है और लोग अपने घरों में कैद रहने को विवश हो जाते हैं। जी हाँ, लंबे समय से शासन प्रशासन की गुहार लगा चुके लोगों को अब उनकी समस्या का समाधान नहीं मिला, तो फिर हाल ही में ग्रामीणों ने सामूहिक प्रयास से एक दूसरे के घर जाने के लिए 2 फीट चौड़ी पगडंडी का निर्माण कराकर कुछ हद तक जिंदगी को रफ्तार देने की कोशिश की है। जी हालांकि सड़क निर्माण के लिए अब भी लोगों की टकटकी शासन प्रशासन की ओर लगी हुई है। दोस्तों, बिहार में कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है, जिन्हें इसे देखते हुए रेलवे ने अलर्ट हो गया है तथा संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए कई तरीके के दिशा निर्देश जारी कर रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के पटना जंक्शन पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। जहां खबर के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों से प्रतिदिन पटना जंक्शन पर ट्रेनें आ रही है, जिसके कारण यहां कोरोना फैलने का खतरा बना हुआ है। इसी को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। जी, अगर आप पटना जंक्शन आते हैं तो फिर आपको मास्क लगाना जरूरी होगा। आपको कि बिना मास्क के पटना जंक्शन पर दिखाई देने वाले लोगों पर ₹500 जुर्माना लगाया जाएगा। रेलवे प्रशासन के मुताबिक जंक्शन पर आने वाले ये सभी लोग मास्क पहने, इसके लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। दोस्तों, इंडियन भारत गैस और HP के कस्टमर के लिए राहत बड़ी खबर है। जी हां, आप बड़ी आसानी से LPG गैस सिलेंडर को बुक कर सकेंगे। बुकिंग में अब कोई भी परेशानी नहीं होगी। ग्राहक चुटकियों में LPG सिलेंडर की बुकिंग WhatsApp और SMS के जरिए कर सकते हैं। जी हां, गैस कंपनी अपने उपभोक्ताओं के आराम के लिए कई सुविधाएं देती है, तो चलिए जानते हैं कि आखिर आप कैसे चुटकियों में गैस बुकिंग कर सकते हैं। जी हां, ग्राहक गैस एजेंसी या फिर डीलर से संपर्क करके बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट पर जाकर गैस सिलेंडर की बुकिंग कर सकते हैं या फिर कंपनी के WhatsApp नंबर पर मैसेज भेजकर LPG गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। WhatsApp के जरिए इंडियन HP और भारत के ग्राहक LPG सिलेंडर आसानी से बुक करा सकते हैं। सबसे पहले इंडियन कस्टमर्स के लिए वो नंबर बता रहे हैं जिससे आप आसानी से बुकिंग कर सकते हैं, गैस बुकिंग कर सकते हैं। तो इंडियन कस्टमर्स के लिए नंबर है 7718955555। जहां आप इस पर कॉल करके LPG सिलेंडर बुक कर सकते हैं। आप WhatsApp पर फिर लिखकर 7588888888824 पर भेजकर भी सिलेंडर बुक कर सकते हैं। जी हां, ग्राहकों को केवल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही संदेश भेजना होगा। उसके बाद बात करते हैं भारत गैस कस्टमर्स के बारे में। तो भारत गैस ग्राहकों को गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए अपने मोबाइल रजिस्टर्ड नंबर पर 1800224344 से बुक या फिर 1 टाइप करके भेजना होगा। इसके बाद आपका बुकिंग रिक्वेस्ट गैस एजेंसी द्वारा स्वीकार किया जाएगा और फिर आपको अपने WhatsApp नंबर पर एक्सेप्टेड का अलर्ट मिलेगा और आपका काम हो जाएगा। अंत में बात करते हैं HP कस्टमर्स के बारे में। तो ग्राहक 9222201122 पर WhatsApp पर एक मैसेज भेजकर HP गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। जी हां, ग्राहक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मैसेज भेजें। जी, इस नंबर पर आपको कई अन्य योजनाओं की जानकारी भी मिलती रहेगी। जी, HP कस्टमर्स अपने LPG कोटा, LPG ID, LPG सब्सिडी आदि के बारे में भी यहां मैसेज भेजकर पता कर सकते हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को ममता बनर्जी पर तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगाया। जी, अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी अल्पसंख्यक मतदाताओं के समर्थन का प्रयास कर रही है। उन्हें पता होना चाहिए कि इस बयान को बाकी लोग भी सुन रहे हैं। विशेषज्ञों ने ममता से अस्पष्ट संदेश को समझा है। जी, अब लोगों को सोचना है कि उन्हें क्या करना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी की अपील यह स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है कि अल्पसंख्यक वोट भी अब TMC से दूर जा रहे हैं, वे चुनाव हारने से डरती है। कोलकाता में एक प्रेस वार्ता के दौरान अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी को पता होना चाहिए कि सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि सभी समुदाय के लोग उन्हें सुन रहे हैं। बाकी लोगों को यह समझना होगा कि आपसे तो वह वोट मांग ही नहीं रही है, तो फिर क्या आपका वोट उन्हें देना ठीक है, यह आपको तय करना है।
दोस्तों भाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि 26 जनवरी को लाल किले पर ध्वज फहराने का षड्यंत्र किया गया था, जी हाँ, ताकि किसान आंदोलन को कमजोर किया जा सके। सरकार के लोगों ने एक डंडे में धार्मिक ध्वज लगाकर षड्यंत्र रचा था, उस पर मुकदमा करने का अधिकार केंद्र सरकार को नहीं है बल्कि डालमिया को है। जी हाँ, सरकार ने 2 साल पहले ही लाल किला को डालमिया के हाथों में बेच दिया है। यह किसान नेता राकेश टिकैत शुक्रवार को भिटिया के शिव मंदिर परिसर में किसान विकास मंच के 8वें स्थापना दिवस पर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा की ही नहीं बल्कि मोदी की सरकार है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण 2014 में पार्टी ने अब की बार मोदी सरकार का नारा देकर किया था। यह पार्टी तो तिजोरी में बंद होकर रह गई है। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानूनों से देश गुलाम हो जाएगा। देश की 147 मंडियों के कर्मियों को तनख्वाह नहीं मिल रहा है। बिहार के हालात को सुधारने में 10 साल लगेंगे। देश में आजादी के पहले की पद्धति आने लगी है। यह देश की हालात बहुत खराब है। यह जन क्रांति किसान मजदूर दलित शोषित की अगुवाई में जारी रहेगी। यह छोटे व्यापारियों की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि किसानों को अनाज का जो पैसा मिलता है उससे किसान ही नहीं बल्कि मजदूर और छोटे कारोबारी भी लाभान्वित होंगे। यह छोटे व्यापारी भी लाभान्वित होंगे। पूर्वांचल और बिहार के किसानों को जब लूट होती है तो फिर वो पूरे देश के किसानों की लूट होती है। एमएसपी के तहत जिस अनाज को 1800 से लेकर 2000 रुपए तक बेचना है उसकी कीमत 500 से 1000 रुपए क्विंटल तक किसानों को नुकसान सहना पड़ता है। यह साल 2013 के आंकड़े लिए जाए तो फिर एमएसपी पर किसानों को 40 लाख करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। यह 11 लाख करोड़ का कर्ज हो गया। उनके कर्ज माफ कर भी दिए जाए तो भी 30 लाख करोड़ किसानों का एमएसपी पर नुकसान होगा। दोस्तों दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। जी हां, भारत सहित कई देशों ने बड़े पैमाने पर लोगों को कोरोना वैक्सीन टीका लगा रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक दुनिया के कई देशों में एस्ट्राजेनिका, फाइजर, बायोटेक और कोविशील्ड की 3 करोड़ से अधिक खुराक पहुंचाई जा चुका है। जी, इन सभी वैक्सीन में से एक कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन भारत में किया जा रहा है। जी हां, भारत ने अब तक कई देशों को यह वैक्सीन मुहैया कराई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने फाइजर बायोटेक वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अपनी ओर से मंजूरी भी दे दी थी। यह कोरोना महामारी के फैलने के बाद WHO की तरफ से किसी वैक्सीन को पहली बार मान्यता दी गई। WHO के इस फैसले से कई देशों के लिए रास्ते खुले गए और उन्हें वैक्सीन मुहैया कराई गई। WHO ने कहा है कि फाइजर बायोटेक वैक्सीन पहली ऐसी वैक्सीन है जिसे कोरोना महामारी के आने के बाद संगठन की ओर से इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई। WHO के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के वैश्विक पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में ये एक बेहद सकारात्मक कदम है। दोस्तों बिहार के नियोजित शिक्षकों के तबादले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। अरसे से इंतजार कर रहे शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया अब जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। यह शिक्षा विभाग ने गुरुवार को उसे संबंधित नियमावली को हरी झंडी दे दी है। विभाग ने NIC के सहयोग से इस प्रक्रिया में काम आने वाले सॉफ्टवेयर को भी तैयार कर लिया है। यह शिक्षा विभाग जल्द ही शिक्षकों से तबादले को लेकर आवेदन की मांग शुरू कर सकता है। सभी चीजें सही रही तो फिर अगले माह से ही इसकी शुरुआत हो सकती है और दिशा निर्देश जारी किया जा सकता है। यह शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि इस नियमावली के तहत मई में इच्छुक शिक्षकों के तबादले के लिए आवेदन लिए जाएंगे और जून में तबादले कर दिए जाएंगे। दोस्तों देश में कोरोना संक्रमण के अचानक आई तेजी को देखते हुए भारत के चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को सार्वजनिक बैठकें, रैलियों और अन्य गतिविधियों के दौरान कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है। यह चुनाव आयोग ने इस संबंध में सभी राष्ट्रीय और राज्य के राजनीतिक दलों को एक पत्र लिखा है और मानदंडों का पालन करने के लिए सख्ती से कहा है। विशेष रूप से मंच पर राजनीतिक नेताओं द्वारा मास्क नहीं पहनने को लेकर चुनाव आयोग ने पार्टी को फटकार लगाई है। दोस्तों EVM के माध्यम से पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर केंद्रीय और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच रस्साकसी जारी है। इसके कारण अब बिहार में समय पर पंचायत चुनाव होने की संभावना धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है। दरअसल पंचायतों का कार्यकाल जून महीने में ही खत्म हो रहा है और जिस तरीके से हालात उभरे हैं वैसे में EVM का मामला अगर सुलझ नहीं पाया तो फिर पंचायतों के कामकाज के सुचारू ढंग से संचालन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में 2006 में बने पंचायती राज एक्ट में संशोधन अनिवार्य होगा। जी हां, संभावना इस बात की है कि सरकार पंचायती राज एक्ट 2006 में संशोधित के लिए अध्यादेश ला सकती है।
दोस्तों देश में इस बार सरसों की बंपर उपज हुई है। यह कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़े के मुताबिक 104 लाख टन उत्पादन का अनुमान है। सरसों अभी रिकॉर्ड कीमत पर बिक रही है। कई मंडियों में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक भाव मिल रहा है। ऐसे में किसानों को इस बात की चिंता है कि आखिर रिकॉर्ड उत्पादन का असर दाम पर भी पड़ेगा या नहीं, जो उन्हें अपने पैदावार रोकनी चाहिए या फिर बेच देनी चाहिए। इन सभी सवालों का जवाब हम आपको बताने जा रहे हैं। जय कृषि मंत्रालय से अग्रिम उपज अनुमान के ताजा आंकड़ों के मुताबिक सरसों की पैदावार 2020-21 में 104 टन होने की उम्मीद है। पिछले साल ये 91 टन था। यह देश में कभी भी इतनी सरसों की पैदावार नहीं हुई है। इसके बावजूद भी सरसों MSP से अधिक मूल्य पर बिक रही है। सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4650 रुपए है, लेकिन देश के ज्यादातर मंडियों में किसानों को ज्यादा कीमत मिल रही है। दोस्तों नेपाल सीमा से सटे बिहार के दिगल बैंक प्रखंड क्षेत्र के मक्का किसानों के अरमानों को जंगली हाथियों का झुंड रौंद रहा है। मक्के के पौधे के बड़े होते ही नेपाल के जंगल से हाथियों के झुंड का आना शुरू हो गया है। पिछले कुछ दिनों में वे एक दर्जन बार इस इलाकों में आ चुके हैं। जी हाल ही में दिगल बैंक थाना क्षेत्र के खेतों में 8-10 की झुंड में आए जंगली हाथियों ने फसलों को रौंद कर भारी नुकसान पहुंचाया। इसका यह सिलसिला बीते कई सालों से लगातार चलता आ रहा है। पिछले साल एक उन्मत्त हाथी ने एक किसान की कुचल कर हत्या कर दी। कहने को तो वन विभाग द्वारा किसानों को हाथियों के उपद्रव से छुटकारा दिलाने के लिए सीमावर्ती गांवों में इस साल भी कैंप लगाया गया है, लेकिन उन्हें उसका उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। अक्सर उनके एक दिन बाद पहुंचने से अब तक हाथी भाग चुके होते। ये नतीजतन जान माल की रक्षा के लिए ग्रामीण रत जग्गा करने को मजबूर है, यानी कि रात में जागने को मजबूर है। दोस्तों बिहार में लग रहे स्मार्ट बिजली मीटर में लोगों को अलग से सिक्योरिटी मनी नहीं देनी होगी। जिन उपभोक्ताओं का पहले से मीटर लगा है वही सिक्योरिटी मनी स्मार्ट मीटर में भी एडजस्ट हो जाएगा। जी बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने उपभोक्ताओं को ये राहत दी है। यह बिजली कंपनी की ओर से सिक्योरिटी मनी को लेकर विनियामक आयोग के समक्ष याचिका सौंपी गई थी। यह कंपनी की दलील थी कि सिक्योरिटी मनी आम मीटर के लिए ली गई थी, स्मार्ट मीटर के लिए सिक्योरिटी मनी का अलग प्रावधान होना चाहिए। जी कंपनी ने अप्रैल 2021 से ही इस व्यवस्था को लागू करने का अनुरोध किया था, लेकिन आयोग ने कंपनी के इस याचिका को खारिज कर दिया। जी आयोग ने कहा है कि उपभोक्ता पहले से ही मीटर लगाए हुए हैं, मीटर बदलने का निर्णय कंपनी के स्तर का है, इसीलिए उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ दिया जाना सही नहीं है। इसीलिए पहले से उपभोक्ताओं ने जो सिक्योरिटी मनी दे रखी है वही राशि स्मार्ट मीटर में भी शिफ्ट कर दिया जाए। आयोग का यह निर्णय राज्य के 1.5 करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। अब उपभोक्ता बेफिक्र होकर स्मार्ट मीटर लगा सकते हैं। नए नियम में 1 अप्रैल से स्मार्ट मीटर लगाने पर उपभोक्ताओं को 3% की रियायत भी मिल रही है। कंपनी अधिकारियों के अनुसार स्मार्ट मीटर को बढ़ावा देने के लिए कंपनी की ओर से उपभोक्ताओं को कई रियायतें दी जा रही है। दोस्तों किसानों से गेहूं खरीद की प्रक्रिया 20 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। इसके लिए खाद एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने आदेश दे दिया है। पंचायती स्तर पर पैक्स और प्रखंड स्तर पर व्यापक मंडल को गेहूं खरीद का जिम्मा दिया गया है। विभाग का दिशा निर्देश मिलते ही अब जिला टास्क फोर्स की बैठक होगी और इसके बाद गेहूं खरीद भी शुरू हो जाएगी। जिला टास्क फोर्स की बैठक में पैक्स और व्यापार मंडल की गेहूं खरीद की अनुमति दी जाएगी। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल प्रति क्विंटल 50 रुपए बढ़ा दिए गए। पिछले साल 1925 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीद हुई थी। ये इस साल 1975 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीदारी होगी। दोस्तों बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान हुए हंगामा का असर अब दिख रहा है। यह अभी भी दिख रहा है। हंगामे के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा था, लेकिन अध्यक्ष के द्वारा कोई भी कार्रवाई न होता देखकर तेजस्वी यादव ने अब राज्यपाल फागू चौहान को पत्र लिखा है। यह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विपक्ष के विधायकों के साथ हुई मारपीट का वीडियो सीडी के साथ राज्यपाल को पत्र के साथ भेज दिया है। उन्होंने पूरे मामले में सरकार को दोषी ठहराते हुए सरकार के बर्खास्तगी की अपील राज्यपाल सकी है। जी साथ ही दोषी अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग की है। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक के पास होने के दौरान हुए हंगामे का मामला अभी भी तुल पकड़ता दिख रहा है। जी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दोषियों को सजा दिलाने के लिए कभी विधानसभा अध्यक्ष तो कभी राज्यपाल को पत्र लिख रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष के बाद तेजस्वी यादव ने राज्यपाल को भी पत्र लिखा है। जी तेजस्वी यादव ने राज्यपाल को पत्र लिखकर राज्य के हालात की तस्वीर साफ करने की कोशिश की। साथ ही विधानसभा में हुए घटना के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराते हुए विपक्षी विधायकों के साथ की गई मारपीट में शामिल दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है।
दोस्तों बंगाल में सुबह से जारी चौथे चरण के मतदान के दौरान हिंसा का दौर जारी है। यह इस क्रम में हुगली से भाजपा सांसद और चंचूरा से पार्टी प्रत्याशी लॉकेट चटर्जी की गाड़ी पर हमला किया गया है। जब लॉकेट का आरोप है कि उनकी गाड़ी पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने पथराव किया, इसमें उनकी गाड़ी का शीशा टूट गया है। लॉकेट चटर्जी का कहना है कि उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में 66 नंबर बूथ पर छप्पा वोट पड़ने की शिकायत मिलने पर वहां पर देखने गई थी। इसी दौरान टीएमसी के गुंडों ने उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया। जय पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी की गाड़ी पर हमला हुआ, जिसे लेकर लॉकेट चटर्जी ने चुनाव आयोग के एक अधिकारी से फोन पर बात की। जय उनका कहना है कि हुगली के पोलिंग बूथ नंबर 6 पर स्थानीय लोगों द्वारा उन पर हमला किया गया। दोस्तों कोरोना महामारी से लोग बेहद परेशान हैं, इसकी वजह से सभी क्षेत्रों में नुकसान हुआ है। जी हां, निवेशक भी मुनाफे को लेकर परेशान हैं। ऐसे में लोगों ने फाइनेंशियल प्लानिंग के महत्व को समझा है। बच्चों को पैसे की अहमियत के बारे में बताना और फिर उनमें अच्छी वित्तीय आदतें विकसित करना बेहद अहम है। यदि हम बच्चों को कम उम्र में ही सही वित्तीय शिक्षा दें कि बचत करना हमारे लिए आवश्यक है और पैसों से हम क्या कर सकते हैं, तो उनका आगे का जीवन आसान हो जाएगा और भविष्य में कठिन परिस्थितियों का सामना सरलता से कर पाएंगे। ऐसे में हम अपने बच्चों को हर महीने जेब खर्च के रूप में एक छोटी सी रकम दे सकते हैं, जो उन्हें एक गुल्लक देकर बचत की आदत डलवा सकते हैं। अपने बच्चों को पैसे देकर आप सिखा सकते हैं कि उन्हें ये पैसा एक महीने तक चलाना है और इसमें से कुछ पैसे को बचत भी करनी है। ऐसा करके वे धीरे धीरे अच्छी खासी रकम जमा कर सकता है और फिर अपनी सेविंग से वे मनचाहा सामान खरीद सकते हैं। लेकिन आधुनिक बैंकिंग के जमाने से बच्चों के पास बैंक में खाता खोलने के भी विकल्प हैं। जी हां, देश का सबसे बड़ा बैंक SBI बच्चों के लिए बचत खाता खोलने की सुविधा प्रदान करता है। पहला कदम और पहली उड़ान नाम से बचत खाता आप घर बैठे ऑनलाइन ही खोल सकते हैं। जी, इसमें बच्चों के लिए पैसे निकालने की लिमिट भी तय की गई है। इसमें दो तरीके की SBI द्वारा नाबालिग बच्चों के लिए दो प्रकार के खाते खोलने की सुविधा उपलब्ध है। पहला कदम तथा पहला उड़ान संपूर्ण बैंकिंग उत्पादों के समूह है। जी हां, ये बच्चों को पैसे की बचत का महत्व सिखाने में मदद करते हैं। दोनों बचत खाते इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग इत्यादि विशेषताओं से परिपूर्ण है, जो न केवल बच्चों को आधुनिक बैंकिंग से परिचित करवाती है बल्कि उन्हें व्यक्तिगत विश्लेषकों की बारीकियों से भी अवगत करवाती है। ये सभी विशेषताएं दैनिक सीमाओं के साथ हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चे पैसे का खर्च समझदारी से करें। पहला कदम बच्चों के पैदा होने के साथ 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है। वहीं पहली उड़ान 10 साल से बड़े बच्चों के लिए है। दोस्तों बढ़ते तपिश के बीच किसान संगठनों द्वारा कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन को तेज करने का मन बना लिया है। जी हां, आंदोलनकारी किसान संगठनों ने मई के पहले पखवाड़े में संसद कूच करने का ऐलान किया है, मगर इससे पहले कई गतिविधियां तय की गई है। रविवार सुबह आंदोलनकारी KMP और फिर KGP पर जाम रखेंगे। जी, उसके बाद भी पूरे महीने कोई ना कोई गतिविधियां तय की गई है ताकि दिल्ली कूच से पहले धरने में शामिल आंदोलनकारियों का उत्साह ठंडा न पड़े। 13 अप्रैल को दिल्ली की सीमाओं पर खालसा पंथ का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। साथ ही जलियांवाला बाग हत्याकांड की बरसी पर शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम होंगे। इसके बाद 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कार्यक्रम होगा। यह किसान नेताओं ने बताया है कि 14 अप्रैल को कैथल में उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रखा है। किसानों और अन्य वर्ग से अपील की गई है कि शांतमय तरीके से ज्यादा संख्या में पहुंचकर इस कार्यक्रम को रद्द करवाने को जोर लगाएं। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP से राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी लगातार मोदी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। कोरोना के हालात और वैक्सीन पर सरकार को घेर चुके स्वामी ने शुक्रवार को लोकतंत्र की खस्ता हालात को लेकर एक ट्वीट किया। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि भारत में लोकतंत्र खस्ता हाल में है, सुधारने के लिए हमने कुछ खास किया भी नहीं है। यह सुब्रमण्यम स्वामी ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें लिखा है कि मोदी सरकार ने हमारे देश की सीमा लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था के साथ सौदा किया है। तस्वीर में सबसे ऊपर लिखा है कि लोकतंत्र के चार स्तंभ, ऐसा मीडिया जो बिना डरे सरकार से सवाल कर सके, ऐसा न्यायपालिका जो संविधान को बचाकर रखे, विधायिका मतदाताओं के प्रति जवाबदेह हो, लोगों के एजेंडे पर काम करके उसको सरकार द्वारा लागू करना। इसके नीचे लिखा है कि हमारे लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति है कि भारतीय मीडिया स्वतंत्र के नाम पर 142-180 रैंक पर है, भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्रता पर 69-128 रैंक पर है। BJP ने पूरी दुनिया में दूसरी पार्टी के सबसे ज्यादा
विधायक खरीदे हैं। भारत आय में 142-180 और भुखमरी में 94-107 रैंक पर हैं। सरकार के खुद के आंकड़ों के मुताबिक 45 साल में देश में सबसे बड़ी बेरोजगारी है। जी आगे लिखा है कि पैसा कमजोर होता जा रहा है, पेट्रोल पर टैक्स लगातार बढ़ता जा रहा है और सीमा पर देश लगातार कमजोर होता जा रहा है। मोदी सरकार ने हमारे लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था और सीमा से समझौता किया है। दोस्तों पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार के लिए जलपाईगुड़ी पहुंचे। जी हां, यहां बागडोगरा एयरपोर्ट पर उतरते ही पद्म पुरस्कार के लिए विजेता करीमुल हक ने पीएम मोदी का गर्म जोशी से स्वागत किया। बंगाल में बाइक एम्बुलेंस दादा के नाम से चर्चित हक ने पीएम मोदी को गले भी लगा लिया। जी हां, हालांकि इस घटना पर सोशल मीडिया यूजर्स ने कोरोना के खतरे से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग के पीएम के नारे तक के सवाल पर उठा रहे हैं। जी हां, ट्विटर पर आशीष नारायण सिंह नाम से यूजर ने लिखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि दो गज दूरी कहां है। वहीं परमवीर सिंह नाम के यूजर ने लिखा है कि बीजेपी के द्वारा किए गए पद्मश्री अवार्ड वालों को कोरोना नहीं होता है क्या, कैसे चिपक रहा है। एक यूजर आशीष कुमार ने लिखा है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन तो करिए, दो गज की दूरी रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक, कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।